Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. Today 6th November, Tuesday is weekend trading session है और आज बैंक निफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी का दिन है. ये वीक काफी छोटा है, दिवाली की छुट्टी आ रही है तो लिक्विडिटी वॉल्यूम कम हो सकता है. तो जो फ्रेशर्स है, न्यू कमर्स है, तो इन दिनों से थोड़े से दूरी रहे, ये वीक जाने दे और नेक्स्ट वीक से ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि वॉल्यूम जहाँ कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है, तो वहाँ पर फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी कम आते हैं. तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी मूव करे. तो ये जब छुट्टी वाला पीरियड आता है और छोटा वीक होता है ट्रेडिंग के लिहाज से कोई भी वीक, तो उसमें ज़्यादा करके अवॉइड करें ट्रेडिंग के लिए. ठीक है, तो आज क्या होगा निफ्टी में, क्या इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी देखते हैं. उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे. कल यानी 5th November मार्केट आर्स खत्म होने के बाद ये लिया हुआ पिक्चर है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने ब्रेकआउट लेवल मार्क किया था 10,568 और ऊपर में अगर निफ्टी मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट था 10,596 और ब्रेकडाउन लेवल था 10,529 और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन लेवल अगर ब्रेक होता है तो 10,490 हमारा फर्स्ट टारगेट था. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो वर्टिकल लाइन है इसके राइट साइड का डेटा कल का हमें डेटा प्रेजेंट कर रहा है. तो कल मार्केट ओपन होने के बाद इसने फर्स्ट टाइम तो ये ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक कर दिया और सेकेंड आर में कंफर्टेबली ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ टुवर्ड साउथ की तरफ और हमारा फर्स्ट टारगेट 10,490 ये भी अचीव हुआ. और आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टारगेट का जो लेवल था पूरा दिन ये लेवल पेनेट्रेट हुआ. इसके नीचे निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव नहीं कर पाया और यहाँ से ही सपोर्ट लेके लास्ट हाफ एन आवर में थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई दिया. तो एग्जैक्ट टारगेट का लेवल भी हमारा सपोर्ट का काम किया. तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था. तो ये था हमारे कल के स्ट्रैटेजी का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट से शुरू करेंगे. अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स में बढ़त देखने को मिली 190 पॉइंट्स की, नास्डैक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यूरोपियन मार्केट में भी मिला जुला कारोबार रहा. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट अभी भी फिलहाल प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 25 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी 32 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे. कल प्रेशर में दिखा हमें ग्लोबल मार्केट, आज देखते हैं निफ्टी में क्या होगा. वीकली चार्ट से शुरू करते हैं. वीकली चार्ट में जैसे कि हम कई लास्ट 7-8 वीडियोस से बताते आ रहे हैं कि ये जो अभी 50 EMA का ये लाइन है, ये ब्लू लाइन और ये ग्रे लाइन 100 EMA का है, ये अभी फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. ऊपर में ये 50 EMA ऊपर जाने नहीं दे रहा जो कि 10,600 के आसपास है और ये नीचे 10,100 सपोर्ट का काम कर रहा है जो कि 100 EMA है. इसके बीच में ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये अभी 6 वीक चल रहा है, इसके बीच में ये कंसोलिडेट हो रहा है. ठीक है, इसे मैं अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन सकता है. हालांकि जो हेड का साइज है, ये हेड का जो साइज है उसके कंपेयर में ये जो शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर ही अभी फिलहाल बना हुआ है, इसका हाइट थोड़ा कम है और यहाँ पर राइट शोल्डर बन सकता है. बनेगा ही, ये कहा नहीं जा सकता. अगर बन गया तो ये 85% इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है जो कि डाउन ट्रेंड में आने के बाद हमें यहाँ पे अप मूव दिखाई देता है. फंडामेंटली अगर देखें तो अभी 4 स्टेट्स में चुनाव है, इलेक्शंस है, तो उसका रिजल्ट का इम्पैक्ट भी यहाँ पर गिर सकता है. तो अगर ऐसा फॉर्मेशन यहाँ बनता है तो हमें अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे सकती है. ऐसा ही बनेगा ये कहा नहीं जा सकता. देखिए, कोई भी पैटर्न जबरदस्ती बनाने के लिए कोशिश ना करे. अगर वहां पर क्लियर पैटर्न बनता है, क्लियर पिक्चर दिखता है जो और 10-15 एनालिस्ट को भी क्लियरली वो दिखे, तो ही वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है. जबरदस्ती कोई पैटर्न देखने या बनाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो ये था वीकली चार्ट का सिनारियो. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में अगर आप
कल का ये जो कैंडलस्टिक देखे तो यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है। इनसाइड बार ट्रेडिंग यानी क्या, जो कि फ्राइडे का हाई और लो था उसके रेंज के अंदर ही ये यहाँ पर कल ट्रेडिंग हुआ है। तो यहाँ पर हायर हाई हायर लो का पैटर्न अभी भी बना हुआ है जो कि बुलिश सिग्नल है। तो यहाँ पर अगर हाई अगर ये ब्रेक करता है 10,600 का, 10,600 का हाई अगर ब्रेक करता है तो ऊपर में हमें ये जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जोन यहाँ पर बना था जिस लेवल से फॉल हुआ था 10,700, वहां पर ही 50 EMA का लाइन आ रहा है मूविंग एवरेजेस का। तो यहाँ पर 10,700 नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है और नीचे में 20 EMA जो कि 23.6% का लेवल भी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस है ये अराउंड 10,600 के पास है, वो अगर कंफर्टेबली ब्रेक करते हैं तो ऊपर में 10,700 दिखाई दे सकता है और नीचे में ये सपोर्ट अभी भी बना हुआ है 10,418 के पास। ये डेली चार्ट का सिनेरियो, मैगडी और RSI डेली चार्ट में दोनों भी पॉजिटिव बने हुए हैं। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कल इस लेवल पे पेनेट्रेट हुआ था निफ्टी इंडेक्स, ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया था। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे उसके तुरंत 20 EMA का सपोर्ट है। तो अगर ये कंफर्टेबली इस लेवल को ब्रेक करता है, 10,460 के लेवल को टुवर्ड साउथ की तरफ ब्रेक करता है, तो ये हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए इंट्राडे के लिए और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,438। ठीक है, और ऊपर में अगर निफ्टी मूव होता है टुवर्ड नॉर्थ की तरफ तो ये लास्ट हाफ एन आवर में जो बुलिश कैंडलस्टिक बनाया है उसका हाई अगर ब्रेक होता है 10,536 के ऊपर 10 मिनट के चार्ट में सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,562 और सेकेंड टारगेट होगा 10,600। नीचे अगर 10,460 ब्रेक डाउन लेवल ये ब्रेक होता है 5-10 मिनट के चार्ट में निफ्टी सस्टेन करता है इसके नीचे तो ही शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करे और 10,438 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ऊपर में 10,536 ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,562, सेकेंड टारगेट 10,600। तो ये थी हमारी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी। आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई अपलोड होता है हमारा वीडियो यूट्यूब पर आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।